तो 22 फरवरी को दिल्ली में एक 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, जिसके बारे में शायद अगर तुम दिल्ली वाले हो तब भी तुम्हें पता नहीं होगा। और उससे ठीक दो हफ्ते पहले टर्की में एक भूकंप आता है 7.8 मैग्नीट्यूड का, जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो अगर हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो इनमें दोगुना से भी कम का फर्क है, पर ऐसा क्यों? अब ये समझने के लिए ये हमें जानना होगा कि भूकंप को एक्चुअली मेजर कैसे करते हैं। एक्चुअली ये कैलकुलेट करते हैं कि जमीन अपनी जगह से कितना हिली है, और उसको एक फॉर्मूले में डाल के जो हमें नंबर मिलता है उससे ही बनी है रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है जो नॉर्मल नंबर से बहुत अलग है। अब इसमें हर एक पॉइंट के इंक्रीज पे 10 गुना चीजें इंक्रीज होती हैं, यानी 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप एक 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अब मैं तुम्हें इसको एडिटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप, शायद थोड़ी बहुत मोबाइल स्क्रीन हिल रही होगी। अब है एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप, हिलती चीजें दिख रही होंगी तुम्हें। और ये एक 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप। भैया यहाँ तो हालत खराब रखी है।